नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कट्टरपंथी और जिहादियों की सोच क्या होती, ये सब तो आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन अब जो मामला सामने आया है या फिर कही अब जो घटना सामने आई है उसने सभी को हिला कर रख दिया। यहाँ एक जिहादी ने अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए चाकू से हमला कर दिया, इसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला कहाँ का है और क्या है। जर्मनी के एक शरणार्थी कैंप में अफगानिस्तान के एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति की हत्या 25 साल के व्यक्ति ने अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए चाकू से हत्या को अंजाम दिया। मृतक की उम्र 35 साल बताई गई है। हमलावर ने एक जर्मन व्यक्ति को घायल भी कर दिया। ये घटना नॉर्थ राइन की बताई जा रही है। ये घटना रविवार की रात हुई है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर लगाया गया। हालांकि उसे खोजकर गिरफ्तार करने में पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगी। बिना किसी संघर्ष के पुलिस ने उसे धर दबोचा। रविवार की रात शरणार्थी कैंप के बाद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। पैरामेडिकल की टीम बुलाकर घायल का इलाज भी किया जा रहा है। इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस अपराध के पीछे हत्या का कोई मंशा सामने नहीं आई है, लेकिन एक गवाह ने इसकी पुष्टि की है कि वो हत्या से पहले अल्लाह अकबर चिल्ला रहा था। हत्यारा 6 साल पहले ही जर्मनी में आया था और 2018 से शरणार्थी कैंप की सुविधा का लाभ उठा रहा था, जहां इस घटना में अजरबैजानी की मौत हो गई। घायल जर्मन व्यक्ति का इलाज पास के एक अस्पताल में चल रहा है। जर्मनी ने 2015 में यूरोप में शरणार्थी समस्या के वक्त खुलकर इस्लामी मुल्कों से शरणार्थी को अपने देश आने की छूट दे रखी थी, लेकिन अब यही उसके गले की फांस बनता जा रहा है। हाल ही में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जहां ये शरणार्थी अपराधी निकले हों। बवरिया से बिजुर्ग में सोमलिया के एक व्यक्ति ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। उसने एक डिपार्टमेंट स्टोर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। मरने वालों में 3 महिलाएं थी, जिसमें से एक की उम्र 82 साल, वहीं एक महिला की 11 साल की बेटी भी थी। उसने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया था। उस अपराधी भी तीनों की हत्या के दौरान अल्लाह अकबर चिल्लाया था। साथ ही उसने 5 दूसरे लोगों को घायल भी कर दिया था, वो भी उत्तर अफ्रीका से शरणार्थी के रूप में आने के बाद 2015 से ही जर्मनी में रह रहा था। यहाँ की सुविधाओं का लाभ भी उठा रहा था। पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए कई हत्याओं की खबर सामने आई है। मतलब धीरे धीरे करके इन जिहादियों का असली चेहरा आप पूरी दुनिया देख रही है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।